हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे एक नीट यूजी की परीक्षा को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब यह जो नीट यूजी की परीक्षा होगी अब वह ऑनलाइन मोड में होगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आप और अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए कि अब आपको यह जो नीट यूजी की परीक्षा कराई जाएगी वह ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी, ठीक है ना। जबकि ऑनलाइन कराने के लिए एक बार 2018 में शिक्षा मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर सर, उन्होंने बहुत पहले बयान दे दिया था कि 2019 से नीट की परीक्षा जो होगी वह ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी और साल में दो बार होगी। ये जो साल में दो बार होने की बात शिक्षा मंत्री ने बोला था, इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया था, इसलिए इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। एक ही परीक्षा कराने फिर से यह डिसीजन आया था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अब यह जो नीट की एग्ज़ाम की बात चल रही है ना, अब यह पेन एंड पेपर के तरीके से नहीं होगा। अभी तक तो इसी तरीके से हो रहा था, लेकिन अब यह जो एग्ज़ाम होगा आईआईटी जेई मेन और जेई एडवांस के तरीके से होगा। जिस तरीके से आईआईटी जेई मेन और जेई एडवांस का कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होता है, उसी तरीके से अब हमारा नीट का भी एग्ज़ाम होगा। क्या यह सही रहेगा प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर इस तरीके से एग्ज़ाम होगा तो यह फ्रेश होगा, क्लीन एंड क्लियर होगा कि नहीं होगा। आप अपना राय जरूर बताएं, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि इस आर्टिकल में और भी चीज़ें मेंशन की गई है कि ये जो नीट यूजी की परीक्षा है इस पे 22 जून को केंद्र सरकार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधा कृष्ण जी और उनके साथ सात लोगों की बैठक हुई थी। यहाँ पे सात लोग आए थे और उन्होंने इसके सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेके, यानी कि जो एनटीए पेपर करा रहा है उसको किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली को सही किया जाए उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। और वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है वह 2018 वाली बात को उठाया गया है कि जो शिक्षा मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर सर ने बोला था वह सही था, यानी कि 2019 से ऑनलाइन पेपर कराना चाहिए था। लेकिन अब यही बात प्यारे बच्चों फिर से सामने आ रही है कि यही ऑनलाइन पेपर अगर सही तरीके से करवाना है तो हमें ऑनलाइन करवाना पड़ेगा ताकि यह जो पेपर हो सके फ्रेश हो सके, ताकि इसमें पारदर्शिता ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बाकी आपका क्या कहना है प्यारे बच्चों, इस अपडेट में बस इतना ही रहा, इसलिए मैं सोचा इस अपडेट को आपको आपके पास शेयर किया जाए कि आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही हमारा नीट यूजी की परीक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके उतनी ही कड़ाई के साथ, उतनी ही अच्छी तरीके के साथ सरकार कदम उठाए, हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों, आप अपना कमेंट हमें ज़रूर शेयर करके बताएं।